हे hey फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे आशा है कि आप लोग मस्त होंगे, आपने यहाँ पर अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, आज हम लोग आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर आए हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं यहाँ पर राजनीति सिद्धांत का, आधुनिक राजनीति सिद्धांत, यानी कि राजनीति सिद्धांत की जो उत्पत्ति की प्रक्रिया चल रही थी उत्पत्ति में हमने यहाँ पर बात करे थे। तीन भागों के व्यापक राजनीति सिद्धांत, आधुनिक राजनीति सिद्धांत और समकालीन। अब ये इसको जो व्यापक हम लोग पहले लेक्चर 8 में कर चुके हैं, आधुनिक राजनीति सिद्धांत 9 में करेंगे और इसका समकालीन 10 में करने वाले। तो कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए। यदि आपको यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट्स करेंगे यहाँ पर, या फिर अपनी बात को रख के आप टाइप कर सकते हैं, या फिर हमें सीधे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी एप्लीकेशन से भी जुड़ सकते हैं। यदि आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से, और गूगल प्ले स्टोर से अध्ययन अड्डा ऐप का डाउनलोड कर सकते हैं। हम लोग एवरीडे आपके साथ जुड़ते हैं यहाँ पर 9 to 10, एवरीडे 9 PM to 10 PM, और मॉर्निंग में आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट की क्लासेस लगी हुई है कंटिन्यू 10 to 12 और 12 to 1, जिसमें हम यहाँ पर UGC NET प्लस UP TET, सुपर TET और राजस्थान TET रिट के लिए जो भर्ती आई हुई है उसके लिए भी स्पेशल आपके लिए वीडियो लेक्चर लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आज का लेक्चर, और मैं तेजेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूँ यहाँ पर आपका अपने अध्ययन अड्डा यूट्यूब चैनल पर। अपनी टीम की तरफ से आपका ढेर सारी शुभकामनाएं। तो देखते हैं यहाँ पर आधुनिक राजनीति सिद्धांत नागरिक शास्त्र में। तो आधुनिक राजनीति सिद्धांत क्या कहता है? आधुनिक राजनीति सिद्धांत अपने अंदर विविध प्रवृत्तियों का जमघट लगाए रखता है, जैसे कि सांस्थानिक, प्राधारिक, वैज्ञानिक या प्रत्यक्षवाद संबंधी, अनुभाविक या व्यवहारवादी, व्यवहारिक व्यवहारोत्तर या मार्क्सवादी। यहाँ पर कह लीजिए कि ये वैज्ञानिकता पर बल देता है, व्यवहारवाद पर अधिक बल देता है, अनुभाविक अधिक बल देता है, मतलब जो यहाँ पर वास्तविकता जो चीज दिखाई देती है वो महत्व रखता है, उसका उसको वैल्यू देते हैं और कुछ नहीं, यहाँ पर जो सामने चीजें दिखाई देती है उसी को इसको वैल्यू रखते हैं। 20वीं सदी के बृहत्तर भाग पर ये प्रवृत्तियां हावी है, मतलब 19वीं सदी के बाद की बात यहाँ पर कहानी हो रही है। यहाँ पर 19वीं तक का सदी तक यहाँ पर क्या रहा? व्यापक राजनीति सिद्धांत रहा, और 19 के बाद यहाँ पर आधुनिक राजनीति सिद्धांत की बात चल रही है। आधुनिक राजनीति सिद्धांत, व्यापक राजनीति सिद्धांत आमतौर पर मीमांसात्मक, नियामक, आदर्शवादी था, और काफी हद तक एक ऐतिहासिक आधुनिक राजनीति सिद्धांत को दूसरी ओर दो परस्पर विरोधी वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। मतलब एक आदर्शवादी है तो दूसरा परंपरावादी या फिर व्यवहारवादी है। यहाँ पर व्यापक राजनीति सिद्धांत को हम लोग आदर्शवादी सिद्धांत के अपोजिट रख सकते हैं। एक और उदारवादी, जिसमें व्यक्तिवादी, समभाव, वर्गवादी और बहुवादी आते हैं। दूसरी ओर मार्क्सवादी, जिसमें द्वंद्वात्मक, भौतिकवादी अथवा अन्य शामिल। मतलब यहाँ पर मार्क्सवाद के बारे में बात रखी जाती है, और वहां पर कौन थे आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपने व्यापक सिद्धांत के बारे में भी पढ़ा है तो उसमें उसकी वकालत करने वाले, एडवोकेट करने वाले कौन कौन राइटर थे, कौन कौन से हमारे विद्वान थे। यहाँ पर आधुनिक राजनीति सिद्धांत को मार्क्स वह एडवोकेट करते हैं या वो बल देते हैं, और किस पे बल देते हैं? भौतिकतावाद पे बल देते हैं, रियलिटी पर बल देते हैं। दूसरा, आधुनिक राजनीति सिद्धांत ने 15वीं से 16वीं शताब्दी से उदारवादी दृष्टिकोण से प्रारंभ कर और बाद में स्वयं को सांस्थानिक, प्रत्यक्षवादी, अनुभाविक, व्यवहारिक एवं बृहत्तर प्रवृत्ति में अभिव्यक्त करते हुए संपूर्ण व्यापक परंपरा को निष्प्रभ बताया। उनके पक्षधर मोरियम वेकी से लेकर डॉल कैसवेल ईस्टन तक भूत की बजाय वर्तमान पर, निष्पर के बजाय जीवित, दूरस्थ की बजाय निकटस्थ, आत्मनिष्ठ की बजाय वस्तुनिष्ठ, मीमांसात्मक की बजाय विश्लेषणात्मक, वर्णात्मक की बजाय व्याख्यात्मक, प्रयोजन मूलक की बजाय प्रक्रिया मूलक, सैद्धांतिक की बजाय वैज्ञानिक पर जोर देने का प्रयास करते हैं। अपने पश्चिमी उदारवादी लोकतांत्रिक आभास वाले आधुनिक राजनीति सिद्धांत ने राजनीति का एक विज्ञान बनाने का प्रयास किया। वस्तुनिष्ठ, अनुभाविक, प्रेक्षणीय, प्रेमय, संक्रियात्मक, मूल्य मुक्ति, उसके अभिलक्षण निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया जा सकते हैं। मतलब यहाँ पर याद रखिए, ध्यान से देखिए कि यहाँ पर किसके बल दिया है, यहाँ पर भूत की बजाय वर्तमान पर बल दिया है। जो व्यापक सिद्धांत है वो भूत पर ज्यादा बल देता है, जबकि जो यहाँ पर आधुनिक सिद्धांत किस पर बल देता है? वर्तमान पर बल देता है। यहाँ पर निष्प्रभ की बल्कि यानी कि जो यहाँ पर अजीवित है ये जीवित पर बल देता है, ये दूरस्थ पर नहीं बल्कि किस पर बल देता है? निकटस्थ पर बल देता है। जबकि व्यापक सिद्धांत किस पर? दूरस्थ पर। ये आत्मनिष्ठ की बजाय वस्तुनिष्ठ पर बल देता है, किस पर देता है? वस्तुनिष्ठ पर बल देता है।
ये मीमांसात्मक की बजाय विश्लेषणात्मक, मतलब जिसको हम लोग यहाँ पर विश्लेषण कर सके, जिसपे तर्क कर सके, ये वर्णनात्मक की बजाय व्याख्यात्मक, मतलब वर्णन नहीं करना, व्याख्या करना है यहाँ पर, जो बात है जिसपे रियलिटी है उस पर बल देने की बात करते हैं। प्रयोजन मूलक की बजाय प्रक्रिया मूलक पर बल देते हैं, सैद्धांतिक की बजाय वैज्ञानिकता पर बलते हैं, मतलब यहाँ पर किसी सिद्धांतों का विचार नहीं करेगा किया जा रहा, किस पर बल दिया जा रहा, वैज्ञानिकता पर बल दिया जा रहा, साइंटिफिक टॉपिक्स पर बल दिया जाता है। अपने पश्चिमी उदारवादी लोकतांत्रिक आभास वाले आधुनिक राजनीति सिद्धांत ने राजनीति के विज्ञान बनाने का प्रयास किया, मतलब राजनीति सिद्धांत को यदि हम कहें तो आधुनिक जो सिद्धांत है, आधुनिक राजनीति सिद्धांत है, वो क्या बनाने का प्रयास करता है, इसे कंप्लीट संपूर्ण एक विज्ञान बनाने का प्रयास करते हैं, और रियलिटी यही इसकी वास्तविकता है। वस्तुनिष्ठ, अनुभाविक और प्रेक्षक ने परिमेय संक्रियात्मक मूल्य मुक्त इसके अभिलक्षण निम्न प्रकार से सन्निहित किया है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, तथ्य व आंकड़े अध्ययन हेतु आधार तैयार करता है, मतलब यहाँ पर आंकड़े तैयार करता है, तथ्य तैयार करता है, और उनका बेस तैयार करने का कार्य कौन करता है, आधुनिक राजनीति सिद्धांत करता है। ये संचित किए जाते हैं, स्पष्ट किए जाते हैं, तब कल्पना परीक्षण हेतु प्रयोग किए जाते हैं, मतलब प्रयोग करने की प्रक्रिया यहाँ पर बल देता है। मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, यहाँ पर क्या होता है, मानव व्यवहारों का जिस प्रकार से साइंस में हम लोग क्या होते हैं, किसी चीज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर मानव व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, और मानव व्यवहार के नियमित सामान्यकरण अभिव्यक्ति की जा सकती है। तो जी बिल्कुल प्रैक्टिकल प्रयोग पर आधारित है सिस्टम। आत्मनिष्ठता, वस्तुनिष्ठा का मीमांसात्मक निर्वचन विश्लेषणात्मक व्याख्या, मतलब आत्मनिष्ठा नहीं, यहाँ पर वस्तुनिष्ठा का बल दिया जाता है, तो यहाँ पर मीमांसात्मक नहीं, विश्लेषणात्मक का बल दिया जाता है। प्रक्रियायोजन का प्रक्षेपणात्मक, वर्णात्मक और वैज्ञानिक नियामक का मार्ग प्रशस्त करता है, मतलब जो वैज्ञानिक तथ्य है, वैज्ञानिक कार्य प्रणाली है, उनको कार्य करने के लिए बल देता है। तो आप याद रखिए यहाँ पर किस चीज को बनाने का प्रयास करता है, ये नींव तैयार कर रहा है एक तरीके से यहाँ पर, किसको, जो राजनीति सिद्धांत है उसको विज्ञान बनाने का। तथ्यों एवं मूल्यों को अलग किया जाता है, मूल्यों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है, तथ्य प्रासंगिक हो, मतलब रियलिटी पर आधारित हो। कार्य प्रणाली को आत्मसचेत, सुव्यक्त और परिमाणात्मक होना चाहिए। अंतरानुशासित संश्लेषण लाना होता है, अंतरानुशासित संश्लेषण लाना होता है, यह जो है को, यह जो था अथवा यह जो होना चाहिए या हो सकता था कि अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण समझा जाता है। मूल्य तथ्यों का तत्रूप का और सिद्धांत पर अनुसंधान का एवं यथार्थपूर्ण स्थिति सामाजिक परिवर्तन का समर्थन करने के लिए है। आगे देखते हैं, आधुनिक राजनीति सिद्धांत के दूसरे छोर पर खड़ा है मार्क्सवादी राजनीति सिद्धांत, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवादी या वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भौतिकवादी या फिर वैज्ञानिक समाजवादी सिद्धांत कहा जाता है इसको। यह सभी तरह से घटनाओं के विकास में गति के सामान्य नियमों की व्याख्या करता है। इसका महत्व विरोधियों के बीच संघर्ष के माध्यम से परिवर्तन में निहित होता है। उत्पादन का एक बेहतर ढंग अपनाने की दृष्टि से उत्पादन में उत्पादक बलों के संबंधों के बीच निचले स्तर पर ऊंचे स्तर या कहे पूंजीवाद संबंध से समाजवाद संबंधी की ओर तथा समाजवाद संबंधी से संप्रदायवाद संबंधी की ओर विकास है। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो सामाजिक व राजनीति परिवर्तन का विश्लेषण व उसकी व्याख्या करने हेतु एक व्यवस्थापक वैज्ञानिक ढांचा प्रदान करता है। यह अतीत की व्याख्या करने, वर्तमान को समझने तथा भविष्य की परिकल्पना को करने की तरीका है। तो यह क्लियर समझ रहे हो कि क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। यहाँ पर जो सारी घटना है, चाहे भूत में हो, चाहे वर्तमान में हो, चाहे भविष्य में हो, उसको सारे को समझने का प्रयास करते हैं। ये सारे स्तरों को समझने का प्रयास करते हैं, निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक, पूंजीवाद संबंध से समाजवाद संबंध की ओर तथा जो समाजवाद संबंध है संप्रदायवाद के संबंध की ओर, सभी तरह के सिद्धांतों को आपस में समझने का, विश्लेषण करने का इसका मेन उद्देश्य है। अभी ये था हमारा राजनीतिक में आधुनिक सिद्धांत, हमारा आधुनिक राजनीति सिद्धांत। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो हम लोग समकालीन राजनीति सिद्धांत नेक्स्ट लेक्चर में, 10 लेक्चर में देखने वाले, तो आप मेरे साथ बने रहिए, कंटिन्यू मैं उस लेक्चर को इससे नेक्स्ट लेक्चर में लेकर आऊंगा। यदि कोई डाउट होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं, हमारे यहाँ पर यूट्यूब चैनल पर लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा होता। थैंक यू वेरी मच।